जय हिंद फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का वीडियो है वेलकैनस के ऊपर में ठीक है वेलकैनस को हिंदी में ज्वालामुखी भी कहते हैं विच इज़ द ओनली एक्टिव वेलकैन इन इंडिया ठीक है तो ये है बैरिन आइसलैंड ठीक है कहाँ पे है ये सिचुएटेड इसके बारे में बताता हूँ दिस आइलैंड इज अबाउट थ्री किलोमीटर्स हैज स्प्रेड स्प्रेड इन द वेल्कैनो है फर्स्ट इरप्टेड इन 1787 एटी सेवन द आइसलैंड इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द वेलकैनो चैन बिटवीन द इंडिया एन बर्मिज टेक्निक टाइटॉनिक uh, प्लेट्स ठीक है वेलकैन uh, से बात ऐसी अगर हम करें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो देखिए जनरल uh, जनरल क्वेश्चन हैं ठीक है ये आपके जो सेकंड नंबर पेपर है उसमें आपको हेल्प करेंगी तो ये ऐसा कोई अश्योर्ड नहीं कि इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बट हाँ ये है कि अगर आप नॉलेज में रखते हो इन केस कोई क्वेश्चन आता है तो पक्का आप उसको हिट करोगे ठीक है तो ज़्यादा नहीं है पाँच पाँच दस मिनट का वीडियो है इसको पक्का आप देखिए फॉलोअप करिए जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए ठीक है ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देर कितने टाइप के वेलकनर्ज होते हैं एक्टिव वेल्कनो होते हैं डॉर्मेंट वेलकनो होते हैं डेड और काम वेलकनर्ज होते हैं ठीक है ओके okay. uh, अभी एक्टिव वेलकनो कौन से होते हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको हो सकता है वन वनवर्ड क्वेश्चन आपको पूछ दे द वेल्कनो फ्राम हुज माउथ ऑलवेज डस्ट स्मोक वेपर गैसेज ऐश लावा इट ई सी सब्सटेक्टेड कीप कमिंग आउट जिसमें से कि हमेशा uh, कुछ तरल पदार्थ गैसेस और कुछ भी निकलते रहते हैं स्मोक मतलब धुएं वगैरह वो होते हैं आपके एक्टिव वेलकैनो ठीक है डोरमेंट वेलकैनो क्या है अ वेलकैनो दैट हैज नॉट इरप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट कैन बिकम एक्टिव एट एनी टाइम वो वेल्कैनो जो कि फटने के लिए तैयार होता है वो होता है आपका डॉर्मेट वेलकैनो ठीक है इसके बाद जो अगला है माउंटेनियस रीजन मोस्ट एक्टिव वेलकैनोज आर फाउंड न्यूली ट्विस्टेड माउंटेन रीजन ठीक है इन विच माउंटेन रीजन कौन से माउंटेन रीजन के अंदर आपका एक्टिव वेलकनोज मिलता है न्यूली ट्विस्टेड माउं माउटेनियस रीजन के अंदर ये चीज मिलता है वॉट यू मीन बाय द डेड और द साइलेंट वेलकैनोज वेलकैनोज दैट हैव नॉट एडप्टेड इन हिस्टोरिकल टाइम एंड आर नॉट लाइकली टू बी एक्टिव अगेन ठीक है जो बुझ चुके होंगे जो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हों वैसे टाइप के वेलकैनोज को कहते हैं हम कौन सा डेड और साइलेंट वेलकैनोज ठीक है वेयर इज द ओजस डील सेलेंड्रो लोकेटेड ठीक है इन द एंड्रेज माउंटेंस ठीक है अर्जेंटीना में चिली uh, बॉर्डर के पास में वेर इज द एयर बस वेलकैनो लोकेटेड ये कहाँ पे लोकेटेड है ये अंटार्कटिका कंटेंट्स में है इसके बाद वेर इज द एक्टिव वेल्कैनो बैरिन एजलैंड लोकेटेड ये कहाँ पे है ये अंडमान और निकोबार में ठीक है जो इंडिया का वेल्कैनो है विच कंटीनेंट डज नॉट हैव एनी सिंगल वेल्कैनो किसके पास है ये ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी वेल्कैनोज नहीं है विच इज़ द हाइएस्ट वेल्कैनो माउंटेन इन द वर्ल्ड ये है कॉटोपैक्सी ठीक है इक्वेडोर विच इज़ वेयर इज ई एल एम मिस टी वेलकैनो ठीक है ये है पेरू में विच कंट्री हैज़ द मोस्ट एक्टिव वेलकैनोज इन द वर्ल्ड फ़िलीपींस आईलैंड के पास सबसे ज़्यादा एक्टिव वेलकैनोज हैं पूरे वर्ल्ड में विथ होम इज पेल हेयर रिलेटेड फ्राम वेलकैनो लाइक हवाई ठीक है ओके व्हाट इज़ द वेल कैनो फ्लूड अंडर द अर्थ कॉल्ड मैग्मा कहते हैं इसको इन क्वेश्चन को पक्का याद रखिए अगर कोई चाहता है नोट्स परचेज करने के लिए बिकॉज अब एग्जाम की घड़ी बहुत नजदीक आ चुकी है अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छे नोट्स के साथ अच्छा स्कोर करना लास्ट टाइम में तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको हंड्रेड नोट्स प्रोवाइड कर जाएगी और काफ़ी ही जेनविन और जनरस नोट्स हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में हिट होती हैं ठीक है सो चलिए अगेन हु इज़ गेजर रिलेटेड टू गेजर आर हॉट स्प्रिंग दैट आर रिलेटेड टू वेलकैनो एक्टिविटीज ठीक है ओके वॉट वॉट इज अ नॉट नॉट क्या होता है द होल थ्रू विच गैस एंड वेपर स्केप ठीक है ये वेलकैनो है आपका और ये जो होल जिससे निकलता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं नॉट ठीक है वॉट डज सोल्फेट्रा मीन्स सच स्वीरल्स फ्राम विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर स्मोक कम्स आउट ठीक है विच इज़ अ मोस्ट एक्टिव वेल्कैनो इन द वर्ल्ड कौन सी है ये हैवेना एजलैंड कैलुआ व्हाट इज रिलेटेड टू द टेन थाउजेंड स्मोक वैली ऑफ अलास्का बाई स्मोक ठीक है smoke से रिलेटेड है वॉट इज कॉल्ड कैलडेरा टू द कैटर बिल्ड ऑफ द अपर एंड ऑफ द ओल्ड वेल्कैनोज ठीक है दैट इज कॉल्ड कैलडेरा विच कंटिनेंट हैव द मोस्ट एक्टिव वेल्कैनोज इन देर कोस्टल पार्ट अमेरिका एंड एशिया ठीक है विथ होम इज एसो रिलेटेड टू जापान कैलडेरा इसका वॉट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन वेलकैनोज 80 टू 90 परसेंट अमाउंट होता है वाटर वेपर का ठीक है विच इज द हाइस्ट एक्टिव वेलकैनो इन द वर्ल्ड ओजस डेल सेलड्रो वॉट इज फोसा मैगना चाइना सॉरी चैन ऑफ वेल्कैनो माउंटेन इन जापान ओके हु इज़ कॉल्ड सिलेंडर वेन द लावा ब्लोन इन द एयर कूल्स डाउन एंड टर्नज इंटू स्मॉल सॉलिड पीसेज इट्स कॉल्ड सिल्डर विच इज़ द हाइएस्ट साइलेंट वेलकैनो इन द वर्ल्ड Okonoga Andes Range. What is the meaning of Seldra? It is a form of the collapsed of the creator of the explosive eruption of the volcanoes. Whereas most of the active volcanoes found in the coastal part of the Pacific Ocean? Okay, which volcano has the shape of cabbage flower? That is vulcanian. What uh, what is called nature safe uh, safety uh, safety wave? That is volcano. Okay. वॉट इज़ द वेलकैनो फ्लूड कॉल्ड आफ्टर इट कम्स अप इन द अर्थ दैट इज कॉल्ड लावा सो आई होप सो दैट आई जस मेड अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन मैगमा एंड लावा ओके हाउ मैनी एक्टिव वेलकैनोज आर देयर इन द दे आर एट प्रेजेंट मोर देन फाइव हंड्रेड ओके विच वेलकैनो इज अ नार्कोडम आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार दैट इज़ अ डॉमेट वेलकानो दैट इज़ अ टाइप ऑफ डॉर्मट वेलकैनो ओके डॉर्मेट मीन्स कभी भी वो फट सकता है ओके वॉट इज कॉल्ड फायरबॉल टू द पैरामीटर ऑफ द पैसिफिक वॉट आर द पीस ऑफ द सॉलिड रॉक एमिनेटर फ्रॉम द वेलकैनो कॉल दैट इज कॉल्ड पायरो क्लास्ट ओके सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू वेलकैनोज एंड आप चाहते हो अगर मैं और कुछ टॉपिक पे वीडियोज़ लेके आऊँ तो पक्का मेरे गमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो जय हिंद